सब ए टू जेड घरहरु जो छ गाई चाहिँ बिल्कुल फोटोकपी हो, डेट ए टू जेड सब। सो हेलो नमस्ते ऑल ऑफ यू गाइज, है आज हम जा रहे हैं, कौन सी विलेज बोला था, इलूर प्रो था उस जगह पे जा रहे हैं। बिल्कुल बोलेरो में बैठे हुए हमारा बिल्कुल ड्राइव करते हुए हमारा परवीन के जी है, तो परवीन के इधर के रहने वाले हैं, बहुत नजदीक हमारा लोकल बंदे है। और कैसा फील लग रहा है आज हमारे साथ जर्नी करने में? हाँ तो मौसम बढ़िया है, बिल्कुल बादल जैसा, आज गर्मी भी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया मौसम है आज का। मेरा ग्रह आज बारिश तो होने का चांसेस है, बारिश हो जाएगा पक्का। अभी हमको बहुत मूड मिलेगा, ऐसा मूड में जाते रहना, छोटा रोड है। बिल्कुल बिल्कुल, गाइस वीडियो में बने रहिएगा, आज यहाँ से हम काफी ट्रैवल कर रहे हैं, छोटा कंजेस्टेड रास्ता है यहाँ पर, उस रास्ता को तय करना पड़ता है, पार करना पड़ता है, इस तरीके से फिर हमारा आज का जर्नी है। फेडरल विलेज की तरफ, फेडरल विलेज की तरफ जा रहे हैं, फेडरल अभी धीरे धीरे कॉलोनी आ रहे हैं, फेडरल विलेज के पास पहुँचने में तकरीबन यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर है। रास्ता बिल्कुल कंजेस्टेड टाइप का है, क्योंकि यह विलेज के अंदर की रास्ता है ना, वो ऐसा लग रहा है। सो गाइस है, तपाईहरु चाहिँ केरलमा आउनुहुन्छ यस्तो खाले तपाईहरुले भन्नुहुन्थ्यो नि मलाई, कतिले कमेन्ट गरेर भन्नुभएको थियो कि अरे केरलमा रहेछस् यहाँ, वहाँ त पुरा जङ्गल भित्र घर हुन्छ नि, वास्तवमै हुन्छ, तपाईँहरूले सही देख्नु भएको रहेछ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ घर बनाएपछि अगाडि पेड मतलब रुखहरू लगाउनु पर्ने रुल्स जस्तो रहेछ कि, सबै घरहरूको अगाडि केही न केही नारियलको रुख होस् या केही न केहीको रुखहरू घरको अगाडि पछाडि चाहिँ पक्का हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक त गर्मीको सिजनमा पनि छाया पनि हुने भयो, अलिकति शीतल पनि हुने भयो, अनि पुरा ग्रिन ग्रिन अक्सिजनको मात्रा पनि हुने, किनकि यहाँतिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो अलिकति फ्याक्ट्रीहरू, रबर फ्याक्ट्री भयो, काफी विविध प्रकारको फ्याक्ट्रीहरू धेरै छ, त्योदेखि एकदम के भन्छ एकदमै ज्यादा मात्रामा चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड हो, कार्बन अक्साइड जो पनि छ त्योहरू पर्याप्त मात्रामा छोडिरहेको हुन्छ कि, तर साँझ साँझको समयमा एकदमै एकदमै घनाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तोको लागि जजब पनि होस् भन्ने सिद्धान्तले पनि यो स्टेट गभर्मेन्टको यो पोलिसी हुनसक्छ कि, होइन पेड पौधा लगाऊ होला कहानी, त्यसले गर्दा हराभरा जता चाहिँ देख्न सकिन्छ क्या, टेम्पलहरू पनि बहुत ज्यादा छ क्या। टेम्पल त यहाँ भन्नुपर्दा खास गरेर अब स्कुल भयो, स्कुल त यस्तो राम्रो राम्रो स्कुल, सबै ए टु जेड गभर्मेन्ट स्कुल हो है सर। के भन्दाखेरि चाहिँ नि नेपालतिर जस्तो बोर्डिङ सोर्डिङ यस्तो होइन, यहाँ सबै गभर्मेन्ट स्कुल जस्तै अब युसी कलेज, योभन्दा पहिलाको मैले भ्लगमा समावेश गरेको थिएँ, युसी कलेजको बाहिर अलिकति थोरै थोरै, त्यो पनि बहुत पुरानो थियो, युनियन क्रिस्चियन कलेज हो, जो क्रिस्चियनहरूको के भन्छ पादरी हो, उनीहरूले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको, अनि अलग्गै यहाँ कोही जग्गा एमएस असमावी, एमएस मतलब मुस्लिम क्या छ एजुकेसन सोसाइटी जस्तै समथिङ हो त्यो, अनि तपाईँको चाहिँ श्री शङ्करा युनिभर्सिटी मेडिकल कलेज, यस सबै के छ भन्दाखेरि अलग अलग धर्मको मान्छेले अलग अलग तरिकाले चाहिँ जति पनि त्योदेखि गुठीहरू जो पनि छ नि त्योदेखि यिनीहरूदेखि आएको पैसाले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्कुलहरू बनाइदिँदो रहेछ कि, धेरै धडाधड बाँकी ठाउँहरूमा पनि यस्तै हुने हो भने, हाम्रो नेपालतिर पनि यस्तै हुने हो भने, स्कुलको कमी हुने थिएन, हामी चाहिँ बोर्डिङ भन्नु पढाउनु पर्ने हुन्छ होइन, यहाँ गभर्मेन्टकै स्टेटकै आफ्नो आफ्नो स्टेटकै अब कुनै पनि धर्मावलम्बी लेभलमा छ नि त, कुनै मन्दिरहरूले यस्तो यस्तो
राम्रो स्कुलहरू चलाएको पनि छ होला, तर अलिक कमै मात्रामा यहाँको तुलना गर्ने हो नि। यहाँ त चाहिँ नि यस्तो छ, अलग अलग धर्मको मान्छेहरूले एजुकेसनको लागि भनेपछि जो पनि अलिकति पैसावाला मान्छेहरू छ यिनीहरूले पुरा के मनी डोनेट गर्दो रहेछ कि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एजुकेसनको मामलामा चाहिँ पनि छैन, त्यो त्यति धेरै खर्चै छैन। यस्तो छ केरलमा भन्नु पर्ने सर, यहाँ मैले बसेर बुझेअनुसार केही होइन सर, मैले बडे बडे लोक क्या गर्थे स्कुलहरूको लिए मनी डोनेट गर्थे, तब जाति इधर गए स्कुल की कोई कमी नहीं है, ये है तो अच्छा लगा इधर वो चीज है ना, बस थोड़ा खाने के बारे में। हाँ हाँ, इधर के खाना स्पेशली, और बाकी को तो मैं क्या पसंद हुआ वो आदमी का अपना सेल्फ है। मेरे हिसाब से बताया जाए तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले जब आया था तो मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं तो एक नॉनवेज खाने वाला आदमी हूँ, तो इसीलिए मैं सबसे पहले तो मेरे को ऑलमोस्ट इतना टेस्टी लगा फर्स्ट टाइम इधर आके खाया। लेकिन वो ज़्यादा तो ज़्यादा होता है पर बड़ा मज़ेदार बनता है, वो जो आग में सेक सेक के जो नेपाल में होता है सेकुआ टाइप का भी होता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे पीस होता है, इसमें तो बड़े एक चिकन मुर्गा पूरा बना देते हैं काट के, एक फूल बोलते हैं उसमें, बस चेस्ट पीस और लेग पीस बनवा करके चार पीसेस बना देते हैं, वो बहुत अच्छा लगा था सबसे, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उसे केरला पराठा, केरला पराठा वो गर्मा गर्म खाओगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ठंडा होने के बाद तो रबड़ की तरह हो जाता है। बिरयानी और बिरयानी वगैरह तो तकरीबन बाकी अदर स्टेट बड़ा मिल जाता है। और इधर मेन फेमस क्या है, इधर इडली डोसा, मुझे इडली से अच्छा डोसा लगा, वो मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी इडली भी अच्छा लगता हो। इडली क्या हो जाता है, थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा होता है उसमें, और जो डोसा है वो पतला सा चावल की रोटी की तरह, वो तो बिल्कुल पानी के भाप से बनता है, पकता है, तो फूड तो हेल्दी फूड है, खाने में भी मज़ा आता है दोनों, लेकिन उसमें से भी मुझे डोसा अच्छा पसंद किया, मुझे डोसा थोड़ा अच्छा लगा खाने में। बाकी सांभर हो गया, यही चीज सब चीज है। A few minutes later. So, what's up guys? के छ सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला, वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। आज हामी आइसकेको छौँ यो फेडरल भिलेज निर चाहिँ, होइन फेडरल भिलेजमा आयो र फेडरल भिलेजको चाहिँ सिनेरिजहरू देखाउनेछौँ। र भिडियो अवश्य पनि तपाईँले भिडियोको थम्बनेलमा देखेरै थाहा लागिसक्यो होला कि आजको भिडियो के हुनेछ भनेर, चाहिँ त्यो थियो कुराकानी, होइन। त ओके गाइज, भिडियोमा पनि राख्नु होला, अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एउटा सब्सक्राइब फ्रीको सब्सक्राइब गर्नु पनि जग्गा लियो, त्यसको बाद सर्लक्क प्लटिङ गर्यो, त्यो सबै ए टु जेड घर सेम डिजाइनको घर बनायो, यसरी बनाएर फेरि यहाँहरू यो तरिकाले बनाएर एउटा गाउँ स्थापना गराइदियो कि, त्यसै आफ्नो आफ्नो घर बेच्यो, यो तरिकाले बनाएको होला हो। यहाँ एकदम एक चक्कर पनि लगायो, यस्तो मजाको गाउँ छ यो, गाउँ हो एक सोसाइटी, यस्तो तरिकाले मिलाएको गाउँ छ, कति दामी, मुझे त बहुत अच्छा लगायो आफ्नो मान्छे लगाएर, देखो बिल्कुल खुबसुरत है, शान्ति है, शान्त, पोल्युसन नहीं है, पोल्युसन तो बिल्कुल जीरो की बराबर है, बिल्कुल शांत टाइप का एरिया, तो बढ़िया अच्छा। नदी के किनारा में, नदी के किनारे में इधर है ना, आगे इस साइड में है ना नदी, ये रहा नदी, नदी भी इसके नीचे है नदी, इधर नदी के किनारे बढ़िया, मतलब जगह बहुत राम्रो सेलेक्सन गरेर बनाएको रहेछ, यसरी चाहिँ यहाँ पोनी बनाएर हो तपाईँको चाहिँ नि के बनायो भन्दाखेरि यो गाउँहरू बनाइदियो, त्यही नेपालमा एक्चुअली धुमसुक्तली फाउन्डेसन नमुना बस्ती बनाएछ तरिकाले, तर यो चाहिँ अलिकति अब व्यापारको हिसाबले बनाएको, मतलब व्यापार बेच्ने भन्नाले चाहिँ घरहरू बेच्नको लागि बनाएर घरहरू बेच्नु, फाइनल्ली गाई चाहिँ हामी आइपुग्यौँ, यो थियो है त।
फाइनली गाइज हमी से यहाँ देखिए बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये गेट रहा, ये फेडरल विलेज का मेन गेट ये रहा। अब यहाँ से हम टर्न ले लेते हैं। ओके 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 बोल रहा है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी फाइनली गाइज। ऐसा सुंदर फाइनली गाइस हम यहाँ से वापस हो गए। तो ऐसे थोड़ा फेडरल विलेज घूमने के लिए आए थे, साइड के आपको दिखा भी दिया कि किस तरीके का था फेडरल विलेज करके। यहाँ पर खास करके मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मकान है वो उसमें से कुछ मकान है जो भाड़े के लिए भी दे रहे हैं जो फैमिली मेम्बर पर्सन है। ऐसे नहीं कि सिंगल बंदे के लिए तो थोड़ा मुश्किल है, क्या है वो थोड़ा बात करना पड़ेगा। लेकिन जो आप अपने फैमिली बच्चे माँ बाप के साथ रहने चाहते हैं तो सारा है वो। और महीने का कितना बोल रहा था उसका किराया? 23,000। 23,000 है एक मकान का महीने का किराया। तो बहुत ही खूबसूरत सुंदर, आपने तो देख ही लिया अभी जस्ट मैंने घुमाया था, सारे घर एक ही जैसे। तो वहाँ पर आप रहने अगर आप इधर घूमने के लिए आओगे एक दो महीने के लिए, हो सकता है केरल में रहने के लिए, तो फैमिली बच्चे के लिए बैठने के लिए एकोमोडेशन ये बहुत ही बढ़िया अच्छा है, तो उसके अंदर बैठ सकते हैं। ये था इधर का, हमने जो जानकारी हासिल करके आए तो यही है। बाकी तो केरल में आप आओगे तो घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, अभी मेरे को भी घूमने का इतना मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर है एक ऊटी करके भी जगह है आपका, इसके बाद तो मुन्नार हो गया, भिन्न भिन्न जगह। बाकी तो बीचेस तो बहुत सारा बीच है इधर, तो समुंदर के नज़दीकी हो गया और बीच की तो बात ही छोड़े, वो तो है ही है, वहाँ घूम सकते हैं। इसके अलावा लुलू मॉल, और मॉल तो ऐसे मॉल तो कहीं बाकी स्टेट में भी है, फिर भी मॉल की बात करें तो बाकी मेन चीज़ है बोटिंग कर सकते हो, मेरीन ड्राइव कर सकते हो, बिल्कुल समुद्र के नज़रे, समुद्र की खूबसूरतियाँ बोटुल के जा सकते हो आप केरल पे आओगे तो। मुझे भी इतना पूरा घूमने के लिए इतना मौका नहीं मिला है, हो सकता है थोड़ा मौका मिलने पर मैं भी उस जगह पर घूमने का प्लान तो बना रखा हूँ। इसे अपना काम कार्य व्यस्तता के कारण से मैं घूम भी नहीं पाया, तो हमारा प्लान भी था ऐसे ऊटी जाने के लिए। ये हमारा इधर का सर जो है लोकल परवीन के सर, वो और हमने एक प्लान भी बनाया था ऊटी जाने के लिए, लेकिन अभी इस बार ऊटी जाने का प्लान सक्सेस हो नहीं पाया, काम में ज़्यादा काफ़ी व्यस्त होना पड़ा। तो ओके गाइज, इस तरीके से आपका प्यार आता रहे, मुझे मिलता रहे इस चैनल में, और आप हमारे साथ जुड़े रहना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहना। कि तो फाइनली गाइस यहाँ से हम लिफ्ट भी दिएको अवस्था छ हैन, बिल्कुल यहाँ यता जानको लागि लिफ्ट पाएकोले गर्दा हामीले लिफ्ट दियौँ र यहाँदेखि हामी निकल्दैछौँ।